संविधान बदल देंगे, 400 पार आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो योगी जी क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अपराधियों को अगर सजा नहीं मिलेगी तो फिर आप और हम कैसे बचेंगे? ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम कैसे हो सकता है? मैं एक और थ्योरी चली थी कि टिकट योगी जी को नहीं बांटने दिए गए। ये दरअसल समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर तरीके से चुनाव लड़ी। भाई पिताजी बात मान लेता तो मैं होती तो बिल्कुल सुप्त अवस्था में थी। दलित समाज में जो युवा वर्ग है वो चंद्रशेखर आजाद को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। तो अगर आप पहली बार सांसद बने हो तो इस तरह का व्यवहार? तो जयंत चौधरी क्या सोच के एनडीए में आए? उधर भारत रत्न का ऐलान हुआ और इधर पासा पलटा। मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह हारे थे और जयंत के मन में ये था कि मुजफ्फरनगर टिकट उसे मिले, तो वहाँ पे जो परीक्षा होनी हो जयंत की होनी। लेकिन आरएलडी और इनका जो है अलायंस विधानसभा चुनाव तक कैसे चलेगा? और जैसे जो मंत्रालय मिला कौशल विकास उसके लिए होमवर्क बहुत कर रहा है, स्टडी बहुत कर रहा है। जब आरएलडी ने बीजेपी से हाथ मिलाया तो फायदा तो आरएलडी का हुआ है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि आरक्षण और 400 पार वाली बातें अब धीरे धीरे पीछे जा रही है। 2027 तक में तो योगी जी के नाम पर ही चुनाव है। गोविंद जी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। भाई राम का किरदार निभाया था, मोदी जी की पसंद के उम्मीदवार थे, तो के जिसे कहना चाहिए पेट तो भरा हुआ है, पैसों मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा कर रहा था। अखिलेश थे वो कई महीनों में नाराज थे आजम खाले वाले मसले कि अब जो 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है तो योगी जी तो उस चुनाव के बाद और ज़्यादा फॉर्म में आ गए जी। आप आनंद को लाई कि ऐसी इंसल्ट करी कि उसे बिल्कुल ही हटा दिया। क्या चंद्रशेखर आजाद हो सकता है कि दलितों में बड़े नेता हों? क्या असदुद्दीन ओवैसी ही हैं वो भी दलितों के? लेकिन अब आपके साथ मुस्लिम तो है नहीं, मुस्लिम जाएगा इनके साथ? मुझे तो बहुत संदेह है, पर राहुल जी के बारे में सब बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं। नमस्कार, आज का पॉडकास्ट जो है पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश पर आधारित रहने वाला है। पिछली बार हमने हरियाणा पे बात की थी, आज उत्तर प्रदेश पे बात करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम उत्तर प्रदेश पे बात क्यों कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद फॉर्म में लौटते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के समीकरण अगले 2 सालों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे सिनेरियो पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पुष्पेंद्र शर्मा जी। पुष्पेंद्र जी हिंदुस्तान अखबार के संपादक रहे हैं, अमर उजाला के संपादक रहे हैं, मेरठ में रहे हैं, आगरा में रहे हैं, और आप सब लोग जो दर्शक हमें फॉलो करते हैं वो रेगुलर हमारे चैनल पर पहले भी इन्हें देखते रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान कई बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो आज पॉडकास्ट में भी उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर बात करनी है तो पुष्पेंद्र जी को हमने आमंत्रित किया है। सर, आप चूंकि मेरठ से बिलोंग करते हैं, मेन सेंटर मेरठ है, वेस्ट यूपी जिस तरह से देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपके सांसद अरुण गोविल जी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, चुनाव के बाद मिलते हैं नहीं? हर्ष जी, पहले तो आपको, आपकी टीम, आपके दर्शकों को बहुत मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपकी मेहनत को सलाम करना चाहता हूं, और जो नया आपने पॉडकास्ट शुरू किया है मुझे विश्वास है कि आपकी मेहनत इसे बहुत नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अब बात पे आते हैं अरुण गोविल जी की। देखिए, अरुण गोविल जी जब आए तो वो बेचारे थोड़े अलग अलग कटे कटे से थे और जो उन्हें जैसा समझा रहा था वो वैसा कर रहे थे। कुछ उनमें बॉलीवुड की हनक भी थी या एक संकोच था। हुआ ये कि प्रचार के समय पे वो धूप बहुत तेज थी, उन दिनों गर्मी थी, बेचारे गाड़ी से नहीं उतरे, तो इसको लेके जैसे कह सकते हैं भाई मीम बनने लगे या लोगों में बातचीत होने लगी। एक विधायक के यहाँ गए तो उसने चाय पूछी, अब वो चाय पी चुके थे, उसने 2-3 बार कहा कि भाई साहब चाय ले लीजिए, तो अरुण गोविल जी को ध्यान नहीं, उन्होंने डांट दिया, क्या आप बार बार कह रहे हो मुझे नहीं पीनी चाय। तो इस तरह का व्यवहार था। लोग बड़े असमंजस में कि भाई ये कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। बहरहाल सारी टीम लगी, थोड़ा सा संघ भी साथ में आया क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पे लग गई थी। भाई राम का किरदार निभाया था, मोदी जी की पसंद के उम्मीदवार थे, तो इसे कैसे किया जाए। खैर, उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी सारे भाजपाइयों ने, और लोगों में भी जब उनकी बिल्कुल मतदान से 2 दिन पहले, जो प्रचार से पहले घर घर संपर्क होता है उससे पहले उनकी एक रैली निकली,
तो उस यात्रा में वहाँ पे दीपिका भी आ गई थी जिन्होंने रोल किया था, लक्ष्मण भी आ गए थे। तब वहाँ पे मेरठ में महिलाओं ने सब ने उनका फूल बरसा के स्वागत किया, तो दो दिन पहले एकदम से तस्वीर बदली और माहौल बन गया, चुनाव बन गया एकदम, चुनाव एकदम से बन गया। हालांकि बड़ा कांटे का मुकाबला रहा और बामुश्किल वो जीत पाए, लेकिन जीत गए। पर जैसा लग रहा था कि ये आदमी बड़ा एलूफ सा है, अलग रहता है, चुनाव बीतने के बाद ऐसा नहीं लग रहा हर्ष जी। अच्छा, हाँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो भाई आइडियल हो गए, लेकिन वो जो संकोच था वो ख़त्म कर दिया, लोगों से मिलना शुरू कर दिया, लोगों से मिल रहे हैं, और यहाँ तक कि मेरे पास भी उनके लोगों के ये संदेश आते रहे कि साहब आप हमें कोई मुद्दे बताते रहिए जो मुद्दे ज़रूरी हैं ताकि हम संसद में जाके इसका निदान करा पाएँ या इसकी कोशिश कर पाएँ। मतलब मुझे लगा कि ईमानदार कोशिश है, आगे चाहे भविष्य कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल उनका प्रयास ये है कि मेरठ को कुछ ना कुछ वो देकर अपने कार्यकाल में जाएं और लोगों से सीधे जुड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं, और वो भी वो अकेले नहीं कर रहे, उसमें भी कई लोगों की सलाह ले रहे हैं कि भाई किसे बना दूँ जो एक्टिव रह जाए, उनकी छवि भी ठीक हो, वो बेदाग लोग हों, ऐसा वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जीते हारे आगे जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं पता, पर वो एक ईमानदार राजनेता की तरह से काम करने लगे। इसकी वजह तो ये भी हो सकती है कि एक तो उतने बिजी बॉलीवुड स्टार वो उस तरह से हैं नहीं, और रिटायरमेंट का जो उनका दौर है वो उसे एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये उनका पॉलिटिक्स में पहला और आखिरी चांस हो, आगे पता नहीं कभी किसने देखा है। क्योंकि दरअसल क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ राजनीति की, तो हेमा मालिनी के अलावा कोई ऐसा रहा नहीं है कि जो दो तीन टर्म लगातार जो है वो चुनाव लड़ता रहा हो, जीतता रहा हो, वरना एक टर्म के बाद धर्मेंद्र भी चले गए, अमिताभ बच्चन तो बीच में ही भाग गए थे, विनोद खन्ना भी, विनोद खन्ना ने दो या तीन टर्म किए, और सनी देओल को देख लो आप, सबका ऐसा हाल, राजेश खन्ना भी एक टर्म के बाद चले गए। हो सकता है ये आगे के लिए भविष्य में मुझे नहीं पता दोबारा लड़ पाएंगे, क्या परिस्थितियां होंगी, पर एक ही बात अच्छी लगी कि वो जितने दिन भी अगर वो ये ईमानदार कोशिशें करते हैं तो कम से कम मेरठ के मतदाता, मेरठ के लोग जो जिन्होंने उन्हें मतदान नहीं भी किया, वो भी उन्हें अब एक दूसरी छवि के रूप में, एक विनम्र और सौम्य अपने प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। ये अब उनकी छवि थोड़ी सी बदलनी शुरू हुई है, बशर्ते वो इसे लगातार कायम रखें। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि अब वो स्थायी निवास भी डिफेंस कॉलोनी में मवाना रोड पे एक है, अच्छा, वहाँ पर शायद वो बनाने जा रहे हैं मेरठ में ही। मेरठ में ही, तो लोगों से अगर ऐसा जुड़ाव रखेंगे तो मुझे लगता है कि वो, क्योंकि सौम्य है, और कहना तो नहीं चाहिए पर कैमरे पे कह भी सकता हूँ कि जिसे कहना चाहिए पेट तो भरा हुआ है पैसों की, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं लालच है, या छोटे मोटे लालच में वो पड़ के कहीं भ्रमित होंगे या उस राह पे चलेंगे, तो ये मुझे अब एक उम्मीद जगाता हुआ सा इंसान लगने लगा वो। आपके याद होगा कि जब हमने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, अरुण गोविल साहब पे हमारी लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी, और हम ये उस समय हम लोगों ने रियलाइज किया था कि बहुत टफ चुनाव होने वाला है, और आपने मुझे पता है कि ये कहा था कि जीतेंगे तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे, ये अनुमान। और उस समय मैंने एक बात और कही थी आपसे कि अगर इनको अयोध्या से लड़ाया जाता तो ज्यादा कामयाब रहते, अयोध्या की सीट शायद ना हारते फैजाबाद वाले। ये आपकी बात बिल्कुल सही थी, हो सकता है वहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा होता, अगर वहाँ पे वो लक्ष्मण का किरदार करने वाले और सीता का किरदार करने वाले उसी तरह से रोड मार्च करते और निकलते, और हो सकता है मोदी जी भी एक चक्कर लगाते साथ में चले जाते मोदी योगी, तो वहाँ पे जो सीट ये हार गए हैं मुझे लगता है कि परिवर्तन हो सकता था। मैं आपसे सहमत हूँ, हो सकता था, क्या होता ये तो नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर एक अनुमान था कि वो अच्छा होता। तो चलिए राम मंदिर पे पहुँच ही गए हैं हम, बात शुरुआत करते हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी लोकसभा चुनाव के बारे में भी हमने चर्चा की थी उसमें, तो उस समय तक तो किसी को ये लग ही नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश का सीन लोकसभा चुनाव में ऐसा निकल के आने वाला है। सीट बीजेपी की कम हो सकती है कुछ लोगों ने अज्यूम किया था, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी लोकसभा चुनाव में बन जाएगी ये अनएक्सपेक्टेड है। 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई, 33 पे बीजेपी रह गई। बिल्कुल सही। तो इसमें मेरा सवाल यही है, थोड़ा सा आउटडेटेड लग सकता है, लेकिन आपसे चूंकि उत्तर प्रदेश में बात के संदर्भ में बात हो रही है आज, तो मैं पूछूंगा जरूर आपसे कि ये जो कहानी लोगों ने चलाई है संविधान बदल देंगे, 400 पार, आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये क्या सच में आप मानते हैं कि इन 37 सीटों को समाजवादी पार्टी ने इसी दम पे जीत लिया? हर्षी, मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय है
कि आधा घंटा 15 मिनट 2 घंटे भी कम पड़ जाए अगर इस पर हम विचार विमर्श करने लगें। पर इसमें इन नारों के साथ साथ बहुत सी कुछ और चीज़ें भी थी जो मुझे लगता है हमें अपने श्रोता और दर्शकों से साझा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का एक बयान, अमित शाह वाला कि योगी को हटा देंगे अगर जीत गए बहुत बहुमत से, और एक मीडिया के जो दिल्ली के और सबके सर्किल थे वहाँ एक बड़ा ख़राब सा चुटकुला चला, मुझे मालूम नहीं आपने कभी दर्शकों से साझा किया नहीं किया। वो ये था कि साहब एक सन्यासी जो है जंगल में बैठा हुआ था, वहाँ एक कुआँ था, तो एक शेर आया और कुएं में गिर गया, और कुएं में 80 सीढ़ियाँ थी। तो उसने भाई साधु का स्वभाव होता है बचाने का, वो उधर बचाने गया। जब साधु जी उन्हें बचाने गए तो वो शेर उन्हें देख के घुराने लगा। अब साधु अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे, उसने कहा यार ये मर जाएगा छोड़ूंगा तो, और ऊपर लाऊंगा तो मुझे खा जाएगा। तो उसने कहा भाई मैं इसे आधे तक 40 सीढ़ियाँ पार करा देता हूँ, बाकी भगवान के ऊपर है, अगर इसमें ताकत होगी तो ये ऊपर आ जाएगा। ये चुटकुला बहुत चला। आप सीढ़ी तो में सीट बोल गए, ये मेरे से गलती हुई, सीढ़ी रहना चाहिए था, ये बात आप वहीं ला रहे हैं, अभिव्यक्ति की गलती है। और हुआ ये कि फिर इस पे मेरी बड़ी चर्चा हुई, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय पे बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे प्रदेश में, चुनाव से लगभग शुरू नहीं हुआ था, चुनाव की गर्मी नहीं आई थी, तो वो तब से कहने लगे थे कि साहब 40 पार होना भारतीय जनता पार्टी का मुश्किल हो जाएगा। मैंने साहब किस आधार पे कह रहे, तो साहब देख लेना, वो क्योंकि खुल के नहीं बोल सकते थे रिकॉर्ड पे, और मेरा पत्रकार होना भी उन्हें डराता था कि कहीं उन्हें कोर्ट ना कर दिया जाए, कुछ ना कर दिया जाए, छाप ना दें। और ताज्जुब की बात ये थी कि उसमें एक दो अधिकारी ऐसे थे जो योगी जी के बड़े करीब रहे, उनकी बिरादरी के भी थे, और योगी जी ने उनकी बड़ी मदद भी करी थी। अब वो ये बातें क्यों कह रहे थे, वो क्योंकि ऐसा होता है ये अधिकारी लोग इतने सत्ता के लोलुप हो जाते हैं, सत्ता का मजा ये ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, और इन्हें जरा सी सीट से हटे, कोई मतलब रबड़ी वाली सीट से हटे, मलाई वाली सीट से, तो बस ये फिर इनका कोई नहीं रहता, फिर ये उसे नाराज परेशान करने के खिलाफ शुरू हो जाते हैं बोलना। तो मुझे फिर भी ये यकीन नहीं आया कि 40 सिरे जाएंगी, या मुझे लगता था कि भाई 62 तो आई जाएंगी, जो मैंने हिसाब लगाया था, हमारी चर्चा भी हो रही थी, मैंने कहा भाई पिछली बार 62 रही थी तो 1-8 सीट ऊपर नीचे हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव वेव चलती है तो वो जो 70 वाली बात है वो पूरी हो जानी चाहिए। पर अंततः हुआ ये। अब इसके पीछे आपने जो कारण कहा, होता यह है कि कभी कभी नारे बूमरेंग कर जाते हैं, तो मुझे इसे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो 400 पार का नारा था वो थोड़ा सा कहीं बूमरेंग कर गया, वो कई तरह से कर गया, उसके कई डायमेंशंस थे, डिफरेंट डायमेंशंस। एक पहलू ये भी था कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संघ का बड़े जोश और उत्साह से जुटता था, वो मोदी जी पे और 400 पार के नारे पे इस तरह से काउंट करने लगे, मतलब अपने भरोसा हो गया, तो उन्होंने कहा यार अब तो जीत ही गए, मेहनत की क्या बात है, तो आ ही जाएंगी। तो जो उनका मेहनत का लेवल और जो जज्बा था भारतीय जनता पार्टी का, वो शुरू के कम से कम 2-3 चरणों में बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, वही नुकसान हुआ। एक डायमेंशन, एक पहलू। दूसरा पहलू कि उससे ये कहने का मौका विपक्ष को मिल गया कि 400 पार लाने का मकसद क्या है, और उन्होंने कहा कि साहब ये चुनाव से पहले 400 पार कह रहे हैं तो ऐसा ही नहीं, कैसे भरोसा। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि 400 पार क्यों चाहिए, तो कुछ को लगा कि यार बेईमानी होगी, कुछ को लगा कार्यकर्ताओं के 400 पार तो हो ही गए तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। विपक्ष को ये मौका हाथ में लग गया कि देखो हम कह रहे थे कि ये 400 पार के बाद क्या करेंगे, वो खुदा ना खास्ता पहले अनंत हेगड़े ने, फिर लल्लू सिंह ने, और हमारे अरुण गोविल जी ने भी, अरुण गोविल जी तो सीधे थे, उन्होंने अभी संशोधन तो पहले भी होते रहे हैं, और अनंत हेगड़े और लल्लू सिंह अयोध्या वाले साफ कह गए कि संविधान बदलना है। तो जो विपक्ष का झूठ या सच जो भी नैरेटिव था, तो उस नैरेटिव को उससे बल मिल गया, ऑथेंटिसिटी आ गई उसमें, ऑथेंटिसिटी आ गई। एक चीज और जुड़ गई, अब उसमें एक चीज ये जुड़ गई कि संविधान बदलेंगे तो भाई करेंगे क्या, वो सबसे तो, पहले आरक्षण तो वो, लोगों को वही लगता वो है। जनसंख्या के बजाय पहले जो है आरक्षण पे कूद गई, उधर से माहौल बन रहा था, वो पीडीए कर रहे थे अखिलेश जी। तो ये सारी चीजें, मतलब जो मैंने पहलू गिनाए, 3-4 पहलू ये हो गए, ये मिक्स हो गए। फिर इसमें एक पहलू
और है हर्ष जी, वो मैं आज पहली बार ही आपसे साझा कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो मुझे ये लगता है कि ये जीत जो समाजवादी पार्टी की दिखती है, ये दरअसल समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है। एक तो जो भाजपा के अति आत्मविश्वास से कुछ वोट गया वो हुआ, दूसरा कांग्रेस का साथ जुड़ना, अगर कांग्रेस नहीं होती, आप शायद इस पर अचरज करेंगे कि मैं कांग्रेस को ज़्यादा ताकतवर बता रहा हूँ, जी जी, पर पैन इंडिया अगर आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक जिन्हें हम मतलब मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस पे ज़्यादा भरोसा कर रहा था, और अगर मायावती ने अच्छे से चुनाव लड़ा होता या पहले से तैयारी दिखाई होती या भरोसा जीता होता तो मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस साथ नहीं होती तो सपा पे नहीं जाता, उधर जाता। अखिलेश से वो कई मायनों में नाराज थे, आजम खाले वाले मसले पे, बरेली वाले विधायक के मसले पे, कानपुर वाले विधायक के मसले पे, अतीक अंसारी को लेके भी उनको ये था कि भाई ये मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं हो रहा, जैसे मुलायम खड़े हुआ करते थे अतीक मुख्तार वाला, तो हाँ वो कहीं असमंजस में था, पर कांग्रेस के साथ जुड़ने से उनका असमंजस वो दूर हो गया और एक साथ जुड़ गए। एक फैक्टर और, जब चर्चा कर ही रहे हैं, समय ले रहे हैं, पीडीए के साथ साथ हुआ ये कि बहुजन समाज पार्टी बहुत कमज़ोर तरीके से चुनाव लड़ी, बहुत कमज़ोर तरीके से। उसका लाभ क्या हुआ कि दलितों का आपको याद होगा, हमारी जब विधानसभा चुनाव के दौरान बात हुई थी जी, तो मैं अमरोहा के और इधर उधर कुछ गांवों में गया था उन दिनों, तो वहाँ पे जो युवा जाटव वोट थे, जाटव मतदाता थे, उनका कहना ये था जी हमारा नुकसान ये हो रहा है कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया और हमें बंधुआ मान लिया गया कि हम तो देंगे 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 मायावती जी को, तो उससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारी बस्तियों में और हमारे लोगों का कोई लाभ नहीं हो रहा, काम नहीं होता। तो जो जाटव युवा मन था वो भटकाव के दौर में था, तो मुझे डाउट है कि उसमें से भी काफी जो डाइवर्जन हुआ है वो भटकाव हुआ। ये कांग्रेस वाली जो बात आपने कही थी ना अल्पसंख्यकों में, ये दलित वोट में भी प्लस हुई है। यस, ये उसका दोहरा फायदा मिल गया जी। तो खाली अगर दलित ये इसमें ना होता, इंडिया अलायंस में नहीं होती कांग्रेस, तो शायद अखिलेश को दलित वोटर नहीं आता, इतनी सफलता नहीं मिलती जी जी, फिर ये सफलता नहीं मिल पाती उसे जो मिली। तो ये एक मोटा मोटा सा आकलन है। बाकी अगर हम अब नहीं देखें, ये दो थ्योरी तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद चली है, अमित शाह के बयान, वो केजरीवाल के बयान वाली, और एक और थ्योरी चली थी कि टिकट योगी जी को नहीं बांटने दिए गए, अमित शाह ने दिल्ली से फाइनल करके टिकट भेजे हैं। ये दो थ्योरी रिजल्ट आने के बाद की थ्योरी है, रिजल्ट के बाद की है, और उसमें ये कहा गया कि अमित शाह जी ने जो टिकट दिए, अब अमित शाह की बुद्धि को यहाँ के लोग आकलन करें, वो इतना बड़ा देश चला रहे, गृह मंत्रालय चला रहे, सारी चीज चला रहे, लेकिन कहने वाले करते थे और अपना नुकसान क्यों कराए, अपना नुकसान क्यों करेंगे। और योगी जी के लिए भी अगर लोग कह देते हैं तो योगी जी क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, सीधे सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर आनी थी बात, पहले तो उन्हीं के ऊपर आएगी, तो ऐसा नुकसान कैसे हो सकता है जी जी। हालांकि इन बातों को थोड़ा सा बल इसलिए मिलता है कि अब जो 10 विधानसभाओं पे उपचुनाव होना है जी, उसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब अब की बार योगी को खुला आता है, भाई फ्री हैंड तो पहले भी था बिल्कुल, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनका फ्री हैंड है। हालांकि योगी विधानसभा चुनाव में तो वैसे भी भाई प्रदेश वाले निश्चित रूप से योगी जी के उसमें रहना है, प्रदेश अध्यक्ष वही करेंगे, वो तो लोकसभा का चुनाव होता है, अंतर आ ही जाता है। लेकिन योगी जी की जो मतलब आत्मबल है और जो मनोबल है और जो उनकी काम करने का तरीका है, वो बड़ा कभी कभी बहुत प्रशंसा करनी पड़ती है। हम लोग भी साधारण मानव हैं, थोड़ी सी कहीं असफलता मिलती है तो निराश होकर बैठ जाते हैं और थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं, पर आपने देखा होगा कि योगी जी तो उस चुनाव के बाद और ज़्यादा फॉर्म में आ गए जी हैं। अभी तो दूसरों ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करे, सोचा नहीं, और इन्होंने सारी जहाँ जहाँ उपचुनाव होने वाले जगह कई कई कार्यक्रम कर चुके हैं, कई कई कार्यक्रम कर चुके हैं, वहाँ का संगठन खड़ा कर दिया, वहाँ पे तैयारी कर ली, इसका मतलब इन्होंने फिल्टर भी कर लिया होगा भी कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट भी फाइनल हो चुका बना होगा बिल्कुल, और जो माहौल है उसमें चुनौती तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे हम पहले सोच रहे थे सारी आ जाएंगी तो 10 में से, और चुनौती इसलिए भी है कि अब आपको जीत के दिखानी है। तो ये सारी बातें, पर उसका मनोबल आदमी का कम नहीं हुआ और वो जा रहा है। और देखिए एक वो एजेंडा आप सीधा सीधा सेट कर रहे हैं, पहले उन्होंने 80 और 20 की बात करी थी, अब वो 80 और 20 की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने मुद्दे से अपने मार्ग से भटक नहीं रहे, चाहे वो कल ज्ञानवापी का मामला हो, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, और मेरे ख्याल से हो सकता है हमारे कुछ श्रोता जो है उन्हें शायद ये बात पसंद ना आए, कौन सा हिंदू मन है जो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भाई ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम कैसे हो सकता है, मैं बचपन से ही सोचता था कि जी ये कैसे हो सकता है। तो ये बात कल योगी जी ने कह दी,
और योगी जी ने जिस तरह से अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, मतलब बिल्कुल उनके विधानसभा में भी कई बार इनका विधानसभा में भी हो गया, उसके अलावा भी जिस तरह से उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, भाई देखो जो फैजाबाद वाला हुआ बच्ची से बलात्कार, अयोध्या वाला, उसमें कन्नौज वाले में, हाँ अच्छा एक और बात होती है मजे की, ये मति भ्रम और अति आत्मविश्वास और अहंकार इधर भी आ गया अखिलेश जी में भी। अरे भाई आप डीएनए, अपराधी के डीएनए की बात करेंगे, जांच की बंद करेंगे, तो मायावती ने कहा कि आपने कितनों के डीएनए, आपने कितनों करे, आप उसमें पिट गए, फिर कन्नौज में भी हो गया है। और फिर ये जो मंगेश यादव का है, भाई आप एक बात या तो पहले दिन ये कहते हैं कि ये लूट में था ही नहीं, आपने पहले दिन तो ये कहा नहीं, परिवार से मिलने वाला आप कहने लगे उठा ले गया था, जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें उसकी माँ और बहन कह रही है कि पुलिस से बोल रही है कि यहाँ नहीं है वो घर में, तो उन्होंने उस टाइम, अब वो कह रहे हैं दबाव में बनाया था, उस दिन तक कौन सा दबाव था, मतलब इसमें बात बातों पर बहुत सवाल लग रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात हर्ष जी, हो सकता है थोड़ी कड़वी बात है, पर अपराधियों को अगर सजा नहीं मिलेगी तो फिर आप और हम कैसे बचेंगे, आप और हम कैसे रहेंगे, आम जनजीवन कैसे चलेगा, नागरिक सुरक्षा कैसे रहेगी। और अगर यूपी में आज निवेश आ रहा है या हम बेहतर परिस्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा तो फैक्टर लॉ एंड ऑर्डर ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सारे कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए, सब चीज़ होती हैं, पर कभी कभी नहीं भी होती, पुलिस कुछ ऐसा प्रोसेस में या प्रक्रिया में वो ऐसी गलतियाँ भी कर जाती है जो तकनीकी फॉल्ट हो जाते हैं, फिर बाद में आदमी छूट भी जाते हैं। तो ये तो वो ये सवाल जो है अखिलेश का, इससे क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो अपराधियों के साथ खड़े, और इसी को लेकर योगी जी ने निशाना साध दिया। फिर अखिलेश जी ने कितनी गलत बात कही कि हम सत्ता में आएंगे तो बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा, ये तो अति ये कह दिया कि जो हाँ। सारे मठाधीश हैं ये भी डकैत हैं, ये मठाधीश को माफिया कह दिया, हाँ माफिया कह दिया, आप ये कैसे कह सकते हैं, ये अहंकार में हो रही है ये बातें, और ये अहंकार विधानसभा उपचुनाव वो आपकी ठीक है, आपकी योगी जी से प्रतिद्वंदिता है, नाराजगी है, तो इस सेंस में आप कहते हैं भाई वही भी मठाधीश हैं, लेकिन आप सारे मठाधीश जो जिन्हें हिंदू मानते हैं सम्मान करते हैं, जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरली थोड़ी कह सकते हैं। तो ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनसे योगी जी को लाभ मिल रहा है, और ये जितनी मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बार इनकी मेहनत जरूर इन्हें, ये तो मैं नहीं कहता कि 10 में से 10 सीट आ जाएंगे, हर एक जगह के अलग समीकरण होते हैं, पर जो एक मुख्यमंत्री के नाते उन्हें प्रयास और मेहनत करनी चाहिए वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, अखिलेश यादव का जिक्र आपने स्वयं ही कर दिया। अखिलेश यादव के बारे में इस लोकसभा चुनाव से पहले ये मशहूर था, एक स्थापित सत्य था कि इन्हें पॉलिटिकल सेंस नहीं है, ये 2017 में मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस से समझौता कर लिया, जबकि कांग्रेस का एक वोट उस समय यहाँ था नहीं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर मायावती से समझौता कर लिया, मुलायम सिंह यादव के मना करने के बाद भी कि भैया हमारे लिए बड़ा हार्मफुल है ये समीकरण कभी बनता ही नहीं है, वो एक और एक जो आप 11 करना चाहते हैं वो बनता ही नहीं है, और उसका तो उल्टा नुकसान ही हुआ, बीजेपी की और सीटें ज्यादा आ गई थी 2019 में। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी जो है इन्होंने पूरे जोर लगाए, कई नैरेटिव बनाए गए, और उसके बाद भी 110-11 सीटों पे इनकी गाड़ी अटक गई। तो लोग ये कहने लगे हैं कि इस लोकसभा चुनाव के बाद कि अखिलेश यादव में मैच्योरिटी आ गई है, और इन्होंने बहुत बढ़िया टाई अप किया कांग्रेस के साथ, इंडिया अलायंस का जो है वो पार्ट बन गए। तो आपको लगता है या ये 2027 तक ये ऐसी कहानी चलने वाली है? इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी, और विधानसभा चुनाव पर लौट के चलते हैं 2022 पहले जी, जब 3 चरण हो गए और मीडिया में तो दोनों तरह की खबरें आती हैं, तो इनकी रैलियों में एक दो जगह पे बहुत वो हाईवे पे हुई थी, बहुत भीड़ आ गई थी सवाई, तो उसके बाद क्या हुआ हर्ष जी के इन्हें जो आसपास के लोग थे वो फिर से सीएम साहब कहने लगे, और ये भी अपने को सीएम मान बैठे। उस समय तो वैसे सीएम ने कई लोगों ने मान लिया था, ओम प्रकाश राजभर, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान सब पहुंच गए थे जी, तो इन्हें भ्रम हो गया तो बन गया, जीत गया, और आगे क्या हुआ आपको मालूम है जी। अब रही 2019 वाली बात, भाई पिता की बात मान लेता तो मायावती तो बिल्कुल सुप्त अवस्था में थी, 10 सांसद बनवा दिए, तुम्हें कोई फायदा हुआ नहीं। और डेफिनेटली जब वोट शिफ्ट होता है और एक बार अगर कोई कहीं मोड़ लगाने लगता है तो फिर दूसरी बार भी उसका मन करता है वहाँ लगाने का। तो मुलायम सिंह गलत नहीं कहते थे, देखो ऐसा है कि ये कह देना कि ये बहुत मैच्योर हो गए,
जिस तरह से ये अब व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लगता है इनमें खामियां हैं। अभी इन्हें और राजनीति के अलावा सामाजिक जीवन में क्या होना चाहिए, पब्लिक किस बात को पसंद करेगी, पब्लिक को बोलने से पहले थोड़ा सा चेक करना चाहिए। हाँ, एट ए लार्जर स्क्रीन। ये नहीं कि भाई आप सिर्फ यादव की सोचने लगेंगे तो फिर तो आप यादव के रह जाएंगे, फिर वही बात हो जाएगी, फिर सिमट जाएंगे आप 2 सीटों पे 3 सीटों पे। तो ये उन्हें अभी ब्रॉडर उसमें सोचना चाहिए। और राजनीतिक शुचिता और मर्यादा की तो आजकल बात करनी बेकार है, बहुत नीचे जा रही हैं, सीमाएं लांघ रहे हैं। पर आपको राज्य के विकास के लिए, राज्य की उन्नति के लिए कुछ बेहतर सुझाव भी तो देने चाहिए, वो नहीं नजर आते। केवल आलोचना करना और केवल हर मुद्दे पर विरोध करना, हर एक मुद्दे पर ही। जी जी भाई, कोई तो रोड मैप आप भी दो ना। अब यही तो जो जो इनकी दिक्कत रही कि जब आप आओगे तो आप क्या करोगे, ये भी तो बताओ। वो रोड मैप भी तो दो ना भाई, वो आप दे नहीं पाते ठीक से। पीडीए पीडीए बस सिर्फ एक, ये तो ये कहते हैं कि वो सड़क भी हमने बनवाई थी, वही बनवाई थी, योगी जी तो फीते काट रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये उचित सदाचरण नहीं है, आचरण नहीं है। आप अगर दूसरा आपसे ज्यादा समझदार और दिख रहा है तो आपको उसी लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी, ताकि आपको लोगों की स्वीकार्यता और एक्सेप्टेंस आपकी बढ़े। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, स्टडी करें। बिल्कुल ऐसे ही है जैसा बच्चा पेपर देने जाए तो होमवर्क करके जाए। आप जब बोलते हैं तो होमवर्क होना चाहिए, और आपके लिए आगे के लिए रोड मैप अभी से तैयार करना होगा। नहीं तो ये विधानसभा उपचुनाव तो क्या, अगली बार भी फिर दिक्कत आ जाएगी। और आपको बताऊं कि जो योगी जी की लोकप्रियता है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, उनकी सब जगह लोकप्रियता है। और उनका उनके तो मठ से करोड़ों लोग वैसे ही देश भर में जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं। और वैसे भी आप देखते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी भी अगर उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में कश्मीर में भी बुलाती है और कर्नाटक में भी बुलाती है, यानी कि एक डिमांड रहती है, डिमांड रहती है, तो उसका कोई कारण होगा ना, क्योंकि उन्होंने छवि बनाई है, एक अच्छे प्रशासनिक, अच्छा प्रशासन संभाला है, अच्छे वक्ता हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया है, तो कुछ तो दूसरों में भी अच्छा होता है, आप उसे लेने की कोशिश क्यों नहीं करते, ये कहना। अभी जो स्पीच रिसेंटली जिसकी आपने बात की योगी जी की, ज्ञानवापी के बारे में जब उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद क्यों कहते हैं, तो काशी विश्वनाथ है, तो भगवान विश्वनाथ है जी। तो मैंने एक चीज ये भी रियलाइज की कि आप किस ओकेजन पे बोल रहे हैं, आप कहां पर खड़े हुए हैं, आपको उसी संदर्भ में अपनी बात करनी चाहिए। ट्रू। अब ये नहीं कि आप अगर पार्लियामेंट में आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे हैं तो वहां भी आप अपनी जातीय जनगणना की बात ले आते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, तो थोड़ा सा वो तो बात योगी जी को कोई उसमें पकड़ नहीं सकता, इसमें कोई वो नहीं है। वही मैंने कहा जी कि आपको होमवर्क करना चाहिए, हर एक दिन के लिए कुछ तैयारी करके जाना चाहिए। जी जी जी, तभी तो आप उस विषय पे बोल पाएंगे, नहीं तो रिलेवेंट नहीं, इररिलेवेंट हो जाएंगे। अभी मायावती का आपने जिक्र कर दिया कि अखिलेश जी ने उन्हें पार्टी को जिंदा करा दिया 2019 में, तो आज की परिस्थिति में, आज जब हम बात कर रहे हैं सितंबर 2024 में, और अभी विधानसभा चुनाव 2027 में है, लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है, मायावती अपनी राजनीति में आपको क्या करती हुई नजर आ रही है, वो उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है? देखिए, वो हमारे राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं इतनी बार, और कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए, उन्हें अच्छे प्रशासन के लिए, सख्त प्रशासन के, जी, लिए, जी, के रूप में जाना जाता है। पर दुर्भाग्य ये है कि वो जिस खास बिरादरी से खुद आती हैं और उनके उत्थान की बात थी, उनके उत्थान के लिए वो कुछ बहुत कर नहीं पाई। मुझे कोई उसका प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि कुछ लोगों को उस बिरादरी में सौर नेता बना दिया हो। बिरादरी मतलब दलित वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं या जाटव, जो उनका कोर वोटर है, और जो कोर वोटर है उनकी भी बात कर रहा हूँ, और साथ में दलितों की भी कर रहा हूँ, जो पिछड़े हुए हैं, जिनके बेस पे आप आगे बढ़े थे, और बहुजन समाज की आपने बात की थी। भाई, एक बार जब आपकी 2007 में सरकार पूरे बहुमत से बनी तो आपने पहली बार सर्व समाज का नारा दिया था, है ना? उस समय तो इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग इसी तरह की बनाई थी कि सभी बिरादरियों को साथ लेकर चले। भाई, ब्राह्मणों ने और ठाकुरों ने आपको वोट भी तो दिया था, जाटों ने दिए, वेस्ट यूपी में दिया था। मैं गया था तो कहते हैं हमें तो बिजली बहुत बढ़िया मिल रही, पानी खूब बढ़िया मिल रहा, ये लोगों ने यही मुजफ्फरनगर में कही थी मुझसे बात। अच्छा, हाँ, तो यानी कि आपका एक प्रभाव था अच्छा, लेकिन आपने धीरे धीरे उसे खो दिया, अपनी फॉल्स ईगो, फॉल्स एम्स, आपके सारे इनसिक्योरिटीज के कोई बराबर में ना आ जाए, सेकंड लीडरशिप लाइन डेवलप ना हो जाए, और आप निकालते चले गए लोगों को जरा जरा सी बात पे, फिर पता चलता है फिर रख दिया उसे मंडल कोऑर्डिनेटर, हटा दिया फिर रख दिया, हटा दिया फिर रख दिया। आप आनंद को लाई, आनंद ने नगीना में जो भाषण दिया, चंद्रशेखर भी सामने था, उसे कहना ही था, जो भी कहता हारे जीते अलग बात है, हटा लिया। और जो बातें उसने कही उसकी ऐसी
इंसल्ट करी कि उसे बिल्कुल ही हटा दिया और फिर अब दोबारा जिसे आप अपना सक्सेसर बना रहे हैं उसको आपने अपमानजनक तरीके से हटा दिया, उसका आप ऐसा अपमान कर रहे हैं और अब आप दोबारा कर रहे हैं। पहले आप कहती थी उपचुनाव नहीं लड़ूंगी, भाई आप उपचुनाव पहले क्यों नहीं लड़ती थी? अगर आप उपचुनाव लड़ती तो 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके बाद जब उपचुनाव खतौली का हुआ, अगर खतौली का उपचुनाव कैसे जीत जाती सपा? अगर आपका कैंडिडेट होता, अगर आपका कैंडिडेट होता तो हो सकता है आपके कैंडिडेट को मौका मिल जाता। जी जी, तो ये उपचुनाव में जब तो लड़ी नहीं और अब जब शक्तिहीन हो रही है बिल्कुल, अब कह रही है मैं उपचुनाव लड़ूंगी। उपचुनाव लड़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही है, आपका अपना फैसला है, लेकिन रणनीतिक तौर पे आप अपने कैडर से दूर हो जाते हैं, चाहे उपचुनाव ना लड़ें या उससे अलग हो जाएं। पॉलिटिकल लोगों के लिए तो चुनाव जो है एक बूस्टर होता है, बूस्टर के अलावा हर चुनाव लड़ना वो आगे परीक्षा है। जी जी, उसमें आपका सब कैडर जुटता है सब, जो वो आप करते नहीं थे। उसके अलावा भी अगर कोरोना काल से लेकर अब तक की इनकी गतिविधियां देखें तो ये सक्रिय नहीं लगी, ये तो मुझे बहुत सक्रिय लगी ही नहीं। एक्स पे लिख देना थोड़ा बहुत अलग, परसों बड़ी तारीफ हुई कि एक्स पे अकेले उन्होंने लिखा, मंगेश यादव के लिए, दूसरों के लिए, लेकिन ये रेयर चीजें हैं। एससी एसटी वाले पे, क्रीमी लेयर वाले पे लिखा। पर ये तो मायावती जी आप तो खुद ही कहती थी कि मेरा तो जो वोटर है वो अखबार भी नहीं पढ़ता, तो वो एक्स कहाँ से पढ़ेगा? तो ये सोशल मीडिया को तो इन्होंने बैन किया था, कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा। तो ये विरोधाभास है उनके, और ये विरोधाभास असमंजस, इसे आप कन्फ्यूजन का नाम दें, मुझे वो कन्फ्यूजन की बहुत शिकार लगती है कि आगे उन्हें करना क्या है। उन्हें अपनी संपत्ति बचानी है, राजनीतिक विरासत, पार्टी बचानी है, राजनीतिक विरासत संभालनी है, परिवार को बचाना है, तो मुझे तो बड़े असमंजस में वो लगती हैं। कभी वो अखिलेश के लिए उस दिन धन्यवाद बोल देती हैं जब वो कहता है कि ये सबसे भ्रष्ट वाली को टिप्पणी करी अखिलेश ने कहा, और अगले दिन फिर कहती है मेरा फोन नहीं उठाया। तो ये बातें बड़ी विरोधाभासी हैं। अगले दिन ये स्पष्ट करने लगती हैं कि कहीं लोग हमारे दोनों की नजदीकी के ना सोच बैठे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी भ्रम की स्थिति है और इस भ्रम से आपका मतदाता भी भ्रमित है, इसीलिए वो दूसरी जगहों पर ठोर तलाश रहा है, चाहे वो चंद्रशेखर हो या कांग्रेस हो। ये मुझे लगता है कि मायावती जी सक्रिय नहीं है। जो सा और जो रोड मैप उन्होंने कहीं बनाया था, जो उम्मीदें लोगों के मनों में जगाई थी, वो ऐसा कर पाएंगे अब लोगों को शायद लगता ही नहीं। आपने मेरा अगला क्वेश्चन का जिक्र कर दिया, चंद्रशेखर आज़ाद, आपने अच्छा जिक्र किया उनका। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो उभरता हुआ ध्रुव तारा है, कुछ लोग इस तरह से देख रहे हैं, और दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रम वो कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ उन्हें सुनने के लिए आती है, खासतौर से दलित समाज में जो युवा वर्ग है वो चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। क्या आपको सच में लगता है कि, देखिए कहने के लिए तो मुस्लिम नेता भी बहुत सारे हुए, पार्टियों का वोट बैंक होता है, असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा मुस्लिम नेता कौन हो सकता है? उनके पिताजी भी पता नहीं कितनी बार सांसद विधायक रहे, वो खुद 20-30 साल से लगातार हैं, और उनका तो कोर एजेंडा यही है कि साहब हमें मुस्लिम वोट को जो है उसको पोच करना है, उसी पे हमें फोकस रखना है, लेकिन वो भी एक सीट से आगे नहीं बढ़ पाए। चंद्रशेखर आजाद को मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना चाहता हूं कि क्या चंद्रशेखर आजाद हो सकता है कि दलितों में बड़े नेता हों, क्या वो उस तरीके से हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी ही हैं वो भी दलितों के? देखिए आपको और हमें किसी का भी भविष्य तय करने का अधिकार तो है नहीं, जी जी जी, लेकिन जो आपने बात कही, अगर वो एक ही बिरादरी पे और एक ही उस पर रहते हैं तो फिर संदेह तो होता है कि वो कहीं एक या दो सीटों वाले नेता ना रह जाए। अब इसमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा हर्ष जी, ना तो उन्हें अखिलेश ने स्वीकार किया, जयंत जब तक बीजेपी के साथ नहीं गए थे तब तक जयंत उन्हें हरियाणा भी लेके गए, राजस्थान भी लेके गए, और सब जगह उन्होंने उसे करा। और अगर पॉलिटिकल किसी ने इन्हें दिमाग, अखिलेश ने तो एश्योर किया था कि आपको टिकट देंगे, तो ये इतना अलग से जीता हुआ नहीं दिखाई देता, फिर ये अखिलेश के आदमी दिखाई देते। और इमरान मसूद इनके थोड़े से पॉलिटिकल राइवल हैं, गुरु भी कह सकते हैं, उन्होंने राजनीति में अब तो राइवल टाइप नजर आते हैं, अब राइवल हो गए, पहले एंट्री उन्होंने कराई थी। मैं तो छुटमलपुर गया था, सहारनपुर से एंट्री हुई, मैं तो छुटमलपुर जिस दिन जेल से छुट के आया था पहला इंटरव्यू मैंने लिया था, पूरा पेज का इंटरव्यू जब एनएसए लगी थी, हाँ चंद्रशेखर का मैंने छापा था जी। तो चंद्रशेखर के विचारों में बड़ी उत्तेजना और उग्र तो दिखाई दिया, लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या सिर्फ एक बिरादरी को लेके, उसमें भी युवा वर्ग को लेके आप राजनीति कितनी लंबी कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं? फिर उनमें भी तो विद्रोह होंगे, उनकी भी तो अपेक्षाएं जगेंगी, और जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं,
जब आप कुर्सी पे आ जाते हैं, अब आप सांसद बन गए, अब आपसे लोग कहेंगे मेरा कैडर भी एक्सपेक्ट करता है, कैडर भी एक्सपेक्ट करता है, फिर वो भी मेरे काम कराए जाए, मेरे काम कराए जाए, पुलिस के थाने से छुड़वाया जाए, आप कितने काम करेंगे जी। क्योंकि अभी क्या हुआ भाई, गाजियाबाद में आपके लोग भिड़ गए है ना, और एक आध जगह पे शायद चंद्रशेखर रावण का भी व्यवहार का वीडियो जारी हुआ, मैं पुष्टि नहीं करता उसकी क्योंकि आजकल वीडियो में भी छेड़छाड़ होती है, पर वो व्यवहार बहुत अच्छा तो था नहीं, और कई वक्तव्य ऐसे आ गए जिसमें उनमें भी अहंकार की बुआने लगी। तो अगर आप पहली बार सांसद बने हो तो इस तरह का व्यवहार तो मुझे लगता नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा लंबा चलेंगे। हाँ अभी एक वीडियो चल रहा है, वो दिल्ली में कोई कार्यक्रम था, बड़ा बहुत बहुत बड़ा एक हॉल में बड़ा वीडियो देखा मैंने, बहुत हॉल है, बहुत भीड़ है, तो इसे इसे तो आपको संजोना चाहिए, ये तो आपकी पूंजी है। अगर आप अहंकार में या अभिषेक दिग्भ्रमित हो जाएंगे तो फिर आप आगे कैसे चलेंगे। और दूसरी बात, आपको अपना छाता बड़ा करना होगा, आपको अपना छाता बड़ा करना होगा। जब तक आप वोटर्स का अम्ब्रेला बड़ा नहीं करेंगे और सिर्फ दलितों युवा पर ही रहेंगे तो निश्चित तौर से फिर आप ओवैसी जैसे ही बन के रह जाएंगे। आपको अपना विस्तार करना होगा, अपनी नीतियों में समावेश करके दूसरी जातियों के युवाओं को भी जोड़ना होगा। ये सही बात है कि इस समय पर खासतौर पर जो जाटा युवा है वो दिग्भ्रमित है, जैसे हमने पहले भी कहा, और वो कोई अच्छा ठिकाना तलाश रहा है, कहाँ उसे स्थायित्व मिले, तो उसे अभी विकल्प के रूप में चंद्रशेखर रावण दिखाई देने लगा, और जिसे हम सिर्फ वोट कटुआ कहते थे, खतौली के बाद से उनकी वो छवि थोड़ी सी बदली है। पर उन्हें अपना अभी भविष्य बहुत है, उन युवा हैं, बहुत समय है, तो उन्हें अपना थोड़ा सा और विस्तार करना पड़ा होगा, अपने आँखें और दिमाग और दिल दिमाग जिसे कहते हैं सबको खोलना पड़ेगा, उसका विस्तार करना पड़ेगा। और जातियों के युवाओं का आप युवाओं को ले साथ, पर ये मत सोचेंगे जाटा है दलित है, उनकी भी बात करेंगे तो फिर आपका भविष्य ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा। अभी जैसे उन्होंने ये भी ऐलान किया कि सारे उपचुनाव भी हम लड़ेंगे, ये भी उन्होंने बात कही है, पता नहीं अब इसमें कितना दम है, सब जगह कैंडिडेट ला भी पाएंगे या नहीं। कहने को तो देखो वो हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वहाँ तो जेजेपी के साथ समझौता किया है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि मान लिया आपने एक चैनल खोला और आपने कहा भाई मैं इसकी एक शाखा दिल्ली भी खोलता हूँ या नोएडा खोलता हूँ, तो आपको उसकी तैयारी के लिए महीने दो महीने तो लगेंगे। ये तो नहीं है कि आपने आज एक आज सोचा और कल खोल दिया, आज सोचा और कल खोल दिया और कल से आपके लिए मैं पूरे ऑल इंडिया में चलाऊंगा चैनल, नहीं ऐसा नहीं होता, और ना ऐसा करना चाहिए। इससे आपके कैडर की एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी और फिर वहां से जो मैसेज आएंगे, अगर आपको वहां सफलता नहीं मिलेगी फिर आपकी वो उसमें काउंट होगा, मान लिया 1% ही वोट रहेगा तो आपके उसमें होगा कि तो भाई ऐसे रह गए। तो इससे अच्छा है कि फोकस करें, थोड़े इलाके से धीरे धीरे बढ़ते रहें, अभी आप पे बहुत उम्र है, बहुत समय है, और नीतियों को लेके चलें, और अगर कभी गठबंधन करना पड़ता है साझे विचार वालों से तो गठबंधन करके आपकी शक्ति बढ़ेगी, जैसे मायावती की बढ़ी थी, मायावती अकेले नहीं बढ़ी थी, जब बीजेपी के साथ है उसी के बाद बीजेपी के बाद तभी से ताकत बढ़ी है। तो आपको भी दूसरों से कुछ समझौते करने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए, और अच्छा होगा कि आप अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। और वो जो वहाँ पे आपने एक राजधानी का पट्टा लगा दिया था छुटमलपुर में, और उससे उन चीज़ों से बचना पड़ेगा। हाँ वो थोड़ा सा उससे आपकी एरोगेंस वो भी दिखाई देती है, उससे बचना पड़ेगा जी। अभी आपने खतौली का उपचुनाव का भी जिक्र किया था और वेस्ट यूपी की राजनीति के बारे में चंद्रशेखर के फोकस करके बात की थी। अब वेस्ट यूपी की बात करेंगे तो आरएलडी और जयंत चौधरी पे बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और आपसे मैं आरएलडी को लेकर सवाल ना पूछूं तो ये तो असंभव है। पिछली बार भी आप जब हमारे चैनल पे आए थे तो हमने आरएलडी के बारे में, जयंत के बारे में आपसे डिस्कस किया था, आप बड़े करीब रहे हैं जयंत के, काफ़ी नज़दीक से उनकी राजनीति को देखा है। तो जयंत चौधरी क्या सोच के एनडीए में आए? देखिए हर जी, कोई किसी के दिल में नहीं घुस सकता, इसमें परिस्थितियां और काल परिस्थिति जो है वो ऐसा कुछ करा देती है कि जब इन्होंने उसमें शामिल होने की घोषणा की या संकेत दिए, उससे बहुत पहले, मैं आपको निजी तौर पे बता रहा हूँ, निजी तौर पे उसको जानता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ जी जी, कि बहुत बड़े बड़े ऑफर आए थे, अच्छे ऑफर थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन उस समय पे, तो आप 2022 के विधानसभा चुनाव के आसपास की बात, उससे थोड़ा सा पहले की बात कर रहा हूँ, तो आपको आश्चर्य होगा कि उस समय पर ये बिल्कुल जैसे भिदक जाते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से ऐसे भिदक जाते थे। अच्छा। तो मुझे भी लगता था कि भाई ये युवा हैं, और फिर जो अखिलेश से करीबी हो रही थी उस समय, 2019 की महापंचायत हुई थी 5 सितंबर को आपके मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे एक ही मंच पे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे, फिर साथ में मुस्लिम वोट इसने जोड़ भी लिया, तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पर इनका मुस्लिम वोट
हमेशा के लिए फिर खिसक जाएगा मुस्लिम मतदाता तो शायद ये इसलिए ज़्यादा नाराज़ होते हैं और सत्ता के लालची नहीं है ये लगा। फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जब ये बिजेंद्र हुड्डा जो यहाँ से लड़ा चुनाव बिजनौर से, इसने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग के लिए यात्रा निकाली, तो मैंने कहा कि भाई शायद इन्हें बीजेपी जो है प्रोत्साहित कर रही है कि आरएलडी के खिलाफ इसे लोकदल के नाम से खड़ा कर दे। वो लोकदल रजिस्टर्ड है सुनील सिंह के नाम से, अलीगढ़ वाले के वो कहते हैं असली लोकदल हमारी है, असली लोकदल वो कल्पना राय ने कभी बनाई थी जो मेरी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। तो मुझे लगा इनके पैरेलल खड़ा कर रहे, तो फिर लेकिन मेरे मन में फिर आया कि नहीं, इसका मतलब इस बार भारत रत्न चोइस साहब को मिल जाएगा और उससे ये दबाव बनाएंगे। और वीडियो भी है, वो रिकॉर्ड पे है, वीडियो मैं दे सकता हूँ आपको कभी भी। तो उधर भारत रत्न का ऐलान हुआ और इधर पासा पलटा, पर ये अकेला फैक्टर नहीं था हर्षी, हालांकि उनके मन में नहीं घुसा और उन्होंने कभी इन बातों को बहुत शेयर नहीं किया लोगों से पूछने के बाद भी, पर उसमें शायद अखिलेश का जो रवैया था जो मैंने अभी कहा कि उनमें अहंकार आ जाता है जल्दी जल्दी वो था, और हरेंद्र मलिक को टिकट देना, वो भले ही आज जीत गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्ती में कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह हारे थे और जयंत के मन में ये था कि मुजफ्फरनगर टिकट उसे मिले ताकि यहाँ से वो अजीत सिंह की हार का बदला ले सकें, तो ये थोड़ा इमोशनल और सेंटिमेंटल वाला मुद्दा था। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर से खुद भी लड़ने में इंटरेस्टेड थे। हाँ, खुद भी लड़ने में इंटरेस्टेड थे। तो ये हरेंद्र मलिक वाला जो मोड़ आया, उसके अलावा भी आप याद करो भाई विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने इनके झंडे पे रालोद के आदमी तो अपने उतारे ना, अपने आदमी उतार दिए, चाहे गुलाम मोहम्मद, तो कई लोग, कई सारी अनिल विधायक हैं ये सब लोग सपा से ही आए। और जब इन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया था ना हर जी, बना तो दिया था, बनवा तो दिया जयंत ने, जयंत को, पर काफी तरसा के बनाया तो वो आत्मसम्मान को चोट थी, स्वाभिमान को उसकी मजबूरी थी, तो उन्होंने उस समय स्वीकार किया। फिर कई एपिसोड होते चले गए, तो हरिंद मलिक वाला जो एपिसोड हुआ उससे तो लोहा गर्म हो गया। उधर भारतीय हरिंदर मलिक वाले में एक फैक्टर ये भी है कि हरिंदर मलिक ने जो है वो अजीत सिंह का विरोध किया था एक समय पे, तो ये इमोशनल बात हो गई थी, लोहा गर्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कप लिया, उन्होंने भाई भारत रत्न भी दे दो और जो दो सीटें दे दो जो नाराजगी है भाई जाटों की और किसानों की, थोड़ा सा उसमें हमें लाभ मिल जाएगा। अब वो लाभ थोड़ा सा जितना भी हुआ, खैर लाभ तो इसमें आरएलडी का ज्यादा हुआ, बीजेपी को तो मुझे लगता नहीं कुछ फायदा। दोनों सीटें कंफर्म हो गई, सपा के साथ जाते तो पता नहीं एक भी नहीं मिलती। और अब अगली परीक्षा आ ही रही है मीरापुर पे, जयंत जी की तो परीक्षा हो जाएगी जी उपचुनाव में, भाई उपचुनाव में हो जाएगी परीक्षा, आपने छोड़ इन्हीं की सीट थी, इन्हीं की सीट है, लेकिन अब आपके साथ मुस्लिम तो है नहीं, मुस्लिम जाएगा इनके साथ, मुझे तो बहुत संदेह है कि कहीं से भी इन्हें वोट मिलेंगे। मीरापुर में तो बीजेपी भी कह रही है कि बीजेपी हमें दे दो ये सीट, इस तरह की बात चल रही है। अलग अलग आप ये देखो कि वहाँ पे मुस्लिम दो तो खड़े हो ही गए, एक बसपा से आ गया, एक इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो वहाँ पे जो परीक्षा होनी है जयंत की होनी है। ये जिता के दिखाओ तो ये परीक्षा अभी पता चल जाएगी। लेकिन फिर भी एक बात मैं कहता हूँ कि जयंत राजनीति में भले आदमी है, वो बहुत पॉलिटिकल दिमाग अभी उस तरह से नहीं, मुझे अखिलेश यादव के मुकाबले थोड़ा मैच्योर और उनसे बेटर है। हाँ, क्योंकि सही नजर आते हैं, सोच तो है, वेल लर्नड भी नजर आते हैं, वेल लर्नड भी है, बोलने में भी सोच समझ के बोलते हैं। और जैसे जो मंत्रालय मिला कौशल विकास, उसके लिए वो होमवर्क बहुत कर रहा है, स्टडी बहुत कर रहा है, और मुझे लगता है कि वेस्ट यूपी में एक आध जगह पे उसका लाभ शायद वेस्ट यूपी को मिल जाए उनको इस मंत्रालय के मिलने से, मुझे ऐसा उम्मीद है जी। हाँ, ऐसा लगता। लेकिन आरएलडी और इनका जो है अलायंस विधानसभा चुनाव तक कैसे चलेगा? क्योंकि ये जो सीटें हैं जो इन्होंने 8-9 जीती थी, वो तो सारी भाजपा को हरा के जीती हुई हैं। भाजपा भी क्लेम करेगी, ये भी वहां तक कैसे चलेगी? तो फिर वहां दुष्यंत चौटाला और बीजेपी वाली कहानी बन जाएगी विधानसभा चुनाव में। तो देखो हर्षी, इतिहास तो ये कह रहा है कि जब जब आरएलडी ने बीजेपी से हाथ मिलाया तो फायदा तो आरएलडी का हुआ है ना, फायदा इनका होता रहा। अब देखते हैं किस मुकाम पे कब होता है, कब तक दोस्ती चलती है, पर अगर ये दोस्ती चलती रहेगी तो आरएलडी को तो बहुत फायदा है ना। मीरापुर के हम उपचुनाव को छोड़ दें, हो सकता है कि कुछ सीटों को कॉम्प्रोमाइज भी कर लें बीजेपी। हाँ, अगर कहे तो कि भाई पहले एक बार कभी कोई दूसरी सीट ले लें, पहले एक बार 40 सीटें दी थी, अब 40 ना दें विधानसभा में, कम सीटें दे दें इन्हें, तो कई बातों पे मुझे लगता है कि अगर चलती है यारी दोस्ती तो शायद ऐसा हो जी। अब सभी आस्पेक्ट्स पे हमने यूपी के बड़े विस्तार से चर्चा कर ली, थोड़ा सा मैं कांग्रेस के बारे में जरूर बात करना चाहूँगा। कांग्रेस ने रायबरेली अमेठी दोबारा से रिटेन कर ली अपनी सीट, वो बिना गांधी फैमिली के रिटेन कर ली। उस अलायंस के बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि किस वजह से वो अलायंस जीता है। इसे कुछ लोग कांग्रेस के रिवाइवल के रूप में देख रहे हैं, क्या लगता है आपको?
विधानसभा में ये रिवाइवल दिखेगा या बस ये लोकसभा तक ही था? नहीं, फिर वही काल और परिस्थिति वाली बात है। वो जो उस समय हालात बने थे, जो हमने पुरानी बातें दोहरानी पड़ेंगी, दर्शक बोर हो जाएंगे जी जी। वो 400 पार पीडीए आरक्षण, हाँ वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो था ही, है ना, प्लस कम्बिनेशन ऑफ मुस्लिम दलित सब आ गया। और उस समय पे थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा भ्रम, कुछ लोगों को ये था कि योगी जी को वाकई हटा देंगे, ये भी था, कुछ लोग उस वजह से भी हटे थे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतने उत्साह से नहीं लगे थे, उतनी मेहनत नहीं थी। तो क्या ये सारे कम्बिनेशन विधानसभा चुनाव तक रहेंगे? क्या तब भी कांग्रेस सर्वाइव करेगी, ये सवाल है। कांग्रेस में जब भी कोई इतनी सीटें जीतता है या जीतता है तो उसे रिवाइवल सा कह ही देते हैं। भाई हमने भी तो कहा था जब विधानसभा चुनाव में 8 सीट और 9 सीट आ गई थी आरएलडी की, तो हमने और आपने भी तो कहा रिवाइवल कि भाई जान पड़ गई, जान पड़ गई, बिल्कुल बिल्कुल। तो रिवाइवल के बजाय ये कह सकते हो थोड़ी सी जान पड़ गई। होता यह है कि जब आप सत्ता से इतने दिन तक दूर रहते हो तो आपका काडर, आपके लोग सब छिन्नभिन्न हो जाते हैं। और कांग्रेस में हालत क्या है कि बहुत सालों से नेता ही नेता है, पदाधिकारी है बस। अगर किसी जिले में आप इकट्ठा करने लगो तो उतने पदाधिकारी मिलते हैं, कार्यकर्ता मिलते हैं, 20-30 लोग मुश्किल। लेकिन अब जैसे सत्ता में आए हैं, और एक एग्जाम्पल ये दिया कि भाई वहाँ से शर्मा को टिकट दे दिया अमेठी से, तो इन बातों से एक मैसेज गया है कि वर्कर को टिकट मिल सकता है, वर्कर को टिकट मिल सकता है। तो इससे जो कांग्रेसी हैं उनका उत्साह बढ़ा, जो कि भारत जोड़ो यात्रा फंस से भी बढ़ा, जो इधर उधर भागने के चक्कर में थे, थोड़ा रुक गए कि वेट कर लेते हैं, वेट कर लो भाई, अब कुछ हो सकता है। और बाकी तो आप बस राहुल जी के बारे में सब बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं। नहीं नहीं, राहुल देश में भी, राहुल जी को तो हम उत्तर प्रदेश का मानते भी नहीं हैं, इसलिए हम बात नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, कांग्रेसियों में उत्साह का संचार हुआ है। और अगर ये कम्बिनेशन बनता है जो अभी बना था, अगर ये ऐसे ही रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आरक्षण और 400 पार वाली बातें अब धीरे धीरे पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। हाँ वो नहीं, वो तो अब तो आज की तारीख में भी करें तो मुझे लगता नहीं, लोगों को तो, अब लोगों में ये भ्रम दूर भी हो गया कि ऐसा कुछ होने वाला था नहीं, वो प्रदर्शन दोहरा पाए आज की तारीख में, मुझे डाउट है। तो लेकिन ये है कि हाँ, शक्ति मिली है, कुछ कार्यकर्ता और जुड़ेंगे, और अगर ये साइंटिफिकली और अच्छे तरीके से चलते रहेंगे कांग्रेस वाले, तो पहले से ज़्यादा विधानसभा सीटें ले आएंगे। कुछ जिसे कहते हैं ना हम देसी भाषा में, भाई जान पड़ गई, तो वो जान सी पड़ी है, रिवाइवल तो नहीं कहता पर हाँ जान सी पड़ गई, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह आ गया, कैडर लग गया। आखिरी सवाल और पॉडकास्ट को अपने वाइंड अप करेंगे हम, योगी जी के बारे में फिर एक बार एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसके समय क्या स्थिति बनेगी, उस पर बाकी सबका फ्यूचर वो डिपेंड करेगा ही। 2027 तक में तो योगी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी, कुछ अब तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट रहेगा 2024 के नतीजों के बाद। देखो हर जी, बहुत सी चर्चाएं अफवाहें चलती रहती हैं, किस पे आप यकीन करें किस पे नहीं करें। ए भाई, ये कहा जाता है कि भाई अमित शाह की पसंद केशव मौर्य रहे हैं, और असलियत ये है कि भाई योगी जी मोदी जी की भी पसंद है। तो एक और ये देखो, ये चाहे आप ऑफिसेज में हो, सब जगह हो, तो थोड़ा सा ऐसा चलता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, किसी वजह से वो होता रहता है। लेकिन योगी अपने आप में एक बड़ी ब्रांड के रूप में उभर कर आए और बड़े बड़े लोकप्रिय हैं। और आपको मैं बताऊं, मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया था, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया तो उन्होंने कहा जी हम योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम इन्हें वोट देना चाहते हैं, उन्होंने दिया। तो ऐसी इमेज उन्होंने बनाई है। और आप देखें कि प्रशासनिक तौर पे भी, दूसरी तरह पे भी कोई आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का उन पर कोई आरोप नहीं है, बेदाग एकदम, है ना। निवेशकों को वो बार बार बुला रहे हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं इतनी मेहनत तो मतलब प्राइवेट कंपनी में जहाँ कहते हैं खून निकाला जाता है वहाँ के लोग नहीं करते, वहाँ के बड़े बड़े सीईओ नहीं करते जितनी मेहनत ये योगी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आज की तारीख में यूपी में अगर किसी और चेहरे को सामना करती है बीजेपी, या अगर उन चर्चाओं में जरा सा भी जिस तरह की चर्चाओं को बल भी मिलता है, जरा सा भी दम है कि योगी जी को हटाया जाएगा, तो नुकसान होगा बीजेपी को। बीजेपी के लिए योगी जी लगभग यूपी में अपरिहार्य की स्थिति में है, इन्हें हटाना या इन्हें छेड़ने से उन्हें नुकसान हो सकता है। चलिए खैर, अभी तो 2027 का जो है सीन बहुत दूर है, मिलते और मिलते रहेंगे, और भी पॉडकास्ट हम शूट करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जो उपचुनाव के नतीजे आए उनके बाद उन आपको चैनल पे एक बार फिर अपने बुलाएंगे, उस पर भी चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही सर, आपका स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद, और आगे भी समय देते रहिएगा। आपके दर्शकों को पुनः नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।